साथियों, ये भी भजन आ रहा है रविंद्र शास्त्री की आवाज में आरबी कैसेट कंपनी बुटेर भरथना इटावा के माध्यम से, जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे रणवीर यादव जी। आइए गौर करते हैं। एक बार राधा जी भगवान कृष्ण के पास में बैठी हुई हैं, उनके मन में एक बार एक बात आई, कहा प्रभु, कोई कहता है नर बड़ा है, कोई कहता है स्त्री बड़ी है। तो भगवान योगी राजकृष्ण श्याम सुंदर ने कहा, राधा, स्त्री से पुरुष बड़ा होता है? राधा जी कहने लगी, नहीं, पुरुष बड़ा कैसे होता है, स्त्री बड़ी होती है। तो आइए गौर करते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण और राधा जी में ये बात होती है। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, अरे दो प्रकार की सृष्टि जगत में, और एक ही पुरुष एक नारी, और तुम्हारी फैसला करो कन्हैया, पुरुष बड़ो या नारी। भगवान आप ही फैसला कर दीजिए कि पुरुष बड़ा है या स्त्री बड़ी है। तो भगवान कहने लगे, हे राधा, क्यों पागल हो रही हो, पुरुष बड़ा है? तो राधा जी कहने लगी, पुरुष नहीं स्त्री बड़ी है। तो बोली आरबी भाई साहब, हम सारे जग का पालन करती, हम सारे जग का पालन करती, सारे जग की माता। प्रभु श्याम, मेरे बिना कहाँ इस जग में कार्य सफल हो पाता। हे मनमोहन, बिना स्त्री के संसार चल नहीं सकता है। और सुनो प्रभु, लाड़ा करण भीम अर्जुन से, अरे लाड़ा करण भीम अर्जुन से, और सुत मैंने उपजाए। बहुत सुंदर चीटू, और मेरा दुग्ध पान करने को वीर शिवाजी। कन्हैया, हरे राम कृष्ण से बालक मेरे, और हम उनकी महता, तुम्हारी फैसला करो कन्हैया, इनको पल्लो हारी। राधा जी कहने लगी, राम कृष्ण से बालक मेरे, हम उनकी महतारी, और तुम्हें फैसला करो कन्हैया, किनको पल्लो। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, राधा सुनिए मेरी बात, हरे तब राम कृष्ण से बाल
बालक बन के हम जा जग में आए तब भाई चराचर मुक्ति जगत में मनमोहन कहलाए। एक कदम कदम अरे मुरली मधुर बजाई सुन मुरली की तान ब्रज बाला दौड़ी आई देख रही हो इधर देखो बोली अरे एक एक के संग में नाची अरे एक एक के संग में नाची सब सब की महातारी तुम्हारी फैसला करो कन्हैया पुरसुगढ़ो या नारी भगवान कन्हैया कहने लगे राधा एक एक के संग में नाची वहां सबकी महातारी और सुन मुरली की तान वहां ब्रजवाला दौड़ी आई। मैंने जब बांसुरी बजाई थी तो सारी गोपियां बांसुरी की आवाज को सुनकर के पीछे पीछे दौड़ करके भागी थी तो इसीलिए पुरुष बड़ा है। अब राधा जी कहने लगी रुक जा पुरुष कैसे बड़ा है तो राधा जी बोली सुना एक बार हरे मैंने अपने पति के खातिर पीतू अरे मैंने अपने पति के खातिर और होने न दिया सवेरा। अरे वो समय याद करो मैं सावित्री थी यमराज के हाथों से अपने पति के प्राण बचाए थे इधर देखो मैंने अपने पति के खातिर होने न दिया सवेरा हारे गाल में ऋषि मुनि पति व्रता था धर्म मेरा स्वामी। अरे मैंने अपने पति देव को अरे मैंने अपने पति देव को यमराज के हाथ छुड़ाया और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक रूप बनाया। याद करो वो समय भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर जिस समय अनसुईया के पास में ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सत्य को जांचने के लिए गए थे तो मैंने तीनों को छह छह महीने का बालक बना लिया था। हंसो नहीं इधर देखो बोले अरे घर काली का रूप का मैंने
मैंने भक्तों की विपता डारी, तुम्हारी फैसला करो कन्हैया पुरुष बड़ो या नारी। भैया अब भगवान कन्हैया ने जैसे ही राधा जी के वचनों को सुना तो भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर कहने लगे, सुनो राधा सुनो। अरे महाभारत के युद्ध में और एक करड़ी द्रोण मरवाया राधा, और भक्तन की रक्षा हेतु बाज को अपना मास खिलाया। राधा सुन रही हो, वो दिन याद करो। देखो अरे साथ रोज खुद भूखा रह के देखो हरिश्चंद्र ने, अरे साथ रोज खुद भूखा रह के और आदर किया अतिथि का, और अरे से मैंने लाल चिराए दो इतना साहस किसी का। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी युगों में हम आगे आए हैं। देख लीजिए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हम सब में रहे अगारी, तुम्हारी फैसला करो कन्हैया पुरुष बनो या नारी। भगवान बोले, हे राधा सुनिए कैसी बातें कर रही हो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हम आगे आए हैं, ना मानो तो देख लीजिए, सीता राम राधे श्याम गिरजा शंकर लक्ष्मी नारायण सब में हम ही तो आगे हैं। हंसो नहीं और सुनाओ। तो भगवान कन्हैया राधा से बोले, राधा बोली श्याम सुंदर, इसका मतलब ये है, कवियों की कल्पना तो ये है मेरे प्यारे भक्तों, शंका ना करें क्योंकि हर जीवन रूपी गाड़ी के दो। अरे भाई साहब, अरे जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया नर और नारी, एक दूसरे के कारण से दोनों हैं बलशाली। Thank you.
या नारी, दोनों पलक समान है बेटा, पुरुष बड़ो या नारी। टीटू, हमारे गुरु ब्रजेश शास्त्री जी गाया करते थे, नारी के बिन नर सुनो है, नर बिन सुनी नारी। नारी के बिन नर सुनो है, नर बिन सुनी नारी। नारी बिन घर मर घट लागे, नारी बिन न सुखारी, जाको समझ लाए अनाड़ी, जाके दुनिया बैरी पड़ी। नारी नारी कितनी होए,